प्रसाद सिंह जो झारखंड विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, शत निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूँगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह। पैरलो विधानसभा से क्षेत्र की प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखो विधानसभा में मैं ये 20 साल में ले रहा हूँ, प्राथमिकता ही प्राथमिकता है। मैं आप पूछना क्या चाहते हैं? चुनाव के मुद्दे आपके क्या होंगे? शिक्षा है, विकास है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये सबसे मेन मुद्दा है। स्थिर सरकार देना है, झारखंड को कांग्रेस की सरकार बने। इस बार के मतलब भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव? हाँ, यस सर। यहाँ से लोकल स्तर पर यहाँ विस्थापित का मामला है, DRD परियोजना है जिससे बेरमो का भविष्य है, उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं? ये दामोदर रिवर डाइवर्सन को 560 आदमी का नौकरी हम लोग आज 15 साल पहले दिलवा चुके थे। बीच में वहाँ कुछ राजनीति बातें हो गई थी, उसको ख़त्म करके और ये 10 दिन और 15 दिन के अंदर काम हो रहा है। ऐसा ही नहीं कि अभी चुनाव है इसलिए, उसका सारी प्रक्रिया हो गई है और काम उसका शुरू होने वाला है, नौकरी भी मिलेगी। और जो विस्थापित का जो आप बात कर रहे हैं, एक पर्चा भी निकाला गया है ना, तो उनको नहीं पता है, जितना भी विस्थापित चाहे दुबदा हो चाहे चंद्रपुरा हो, अभी चंद्रपुरा में 134 को नौकरी हम करवाए, उसके पहले 230 आदमी की नौकरी हुआ, फिर KSP का जो बात हो रहा था है ना कि, तो वो सारी चीज़ लेकर के जितना भी चाहे 18 में जो सैलरी पॉइंट के वर्कर को मिला है, सब विस्थापित का काम हम लोग कराए हैं। हम लोग में 200 जो नौकरियाँ में था उसमें 125 नौकरी हुआ, कुछ पेंडिंग सब है, तो सारा चीज मेरे द्वारा हुआ। एक जी सर, बेरमो को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए क्या करेंगे? उस समय आएगा जब हमारी सरकार बनेगी तो आप देखिएगा कितना कड़ा कदम उठेगा। आप लोग मंदिर परिसर से बाहर जाइए, नारा लगाना है, मंदिर परिसर से बाहर जाइए। रॉकी जी, मंदिर परिसर से बाहर निकालिए ना अपने आदमी लोग, परमिशन नहीं है, दिक्कत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ।